Good morning, students. Subject name is optical fiber. Optical fiber communication. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फाइबर लॉसेस. ठीक है, फाइबर में कौन कौन से लॉसेज होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना है. तो फाइबर लॉसेज एक्चुअली है क्या? फाइबर अटेनुएशन और ट्रांसमिशन लॉसेज दी पावर लॉस. जो पावर हमारी लॉस हो जाती है टेकिंग प्लेस इन साइड फाइबर केबल. जो पावर हमारी लॉस होती है फाइबर लॉसेज क्या है? पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. जो पावर हमारी लॉस हो जाती है उसको हम बोलते हैं फाइबर लॉसेज. बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल पासिंग थ्रू फाइबर्स गेट्स एम्पलीट्यूड जो है हमारा फाइबर लॉसेज से जो एम्पलीट्यूड हमारा वो क्या कर जाएगा? एम्पलीट्यूड का करेगा बढ़ेगा कम होगा रिड्यूस कर जाएगा. एम्पलीट्यूड है जो हमारा लॉसेज की वजह से वो रिड्यूस हो जाएगा जब सिग्नल को हम पास करेंगे थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स. तो फाइबर लॉसेज एक्चुअली क्या है? पावर लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन. जब हम ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल की तो उसके अंदर जो पावर लॉसेज हो जाते हैं उसको हम बोलते हैं फाइबर लॉसेज. तो दो तरह के हमारे पास जो है फाइबर के लॉसेज होते हैं. ठीक है, वन इज लीनियर स्कैटरिंग एंड लीनियर. हम पढ़ेंगे आज स्कैटरिंग लॉसेज. ठीक है, स्कैटरिंग लॉसेज. ठीक है, स्कैटरिंग लॉसेज को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज. ठीक है, और नॉन लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज. ठीक है, तो हमारे जो सिलेबस में दैट इज लीनियर स्कैटरिंग लॉसेज को हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, वन इज रिलेस. तो फर्दर दो तरह की होती है हमारे पास, एक लीनियर स्कैटरिंग होती है, एक नॉन लीनियर स्कैटरिंग होती है. तो बेसिक्स ऑफ स्कैटरिंग होती क्यों है? वो हम पहले देखेंगे कि क्या क्या क्यों आती है. इट इज़ एक्चुअली ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटीज इन दी फाइबर ऑप्टिक केबल्स इन स्ट्रेट. किसके कारण आती है? नॉन यूनिफॉर्मिटीज इन फाइबर केबल. कि जो हमारी केबल है वो यूनिफॉर्म नहीं बनी होती, मतलब कि उसकी जो शेप है कहीं पे रफनेस आ सकती है जिसकी वजह से हमारे पास जो है सिग्नल स्कैटर कर जाएगा. ठीक है, तो एक्चुअली स्कैटरिंग क्या है? लीनियर स्कैटरिंग. स्कैटरिंग में क्या होता है? एक्चुअली ट्रांसफर ऑफ पावर, ऑप्टिकल पावर ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोपेगेटिंग मोड टू गेट्स ट्रांसफर्ड इन अनदर मोड. ठीक है, तो एक ऑप्टिकल पावर क्या करेगा? एक वन प्रोपेगेटिंग से दूसरे प्रोपेगेटिंग ट्रांसफर मोड में वो ट्रांसफर हो जाएगा. ठीक है, ड्यू टू फर्स्ट में क्या है, नॉन यूनिफॉर्मिटीज होंगी उसकी वजह से जो है वो आएगी स्कैटरिंग. दूसरा क्या है कि वो हमारी जो ऑप्टिकल पावर है वो एक मोड से दूसरे मोड में ट्रांसफ़र कर जाएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है ये होता है कि क्यों होती है हमारे पास जो है मतलब कि स्कैटरिंग क्यों होती है. सबसे पहले हमने पढ़ा था लॉसेस क्या है. लॉसेस क्यों है? पावर लॉस टेकिंग प्लेस. तो उसके अंदर हमने क्या है, स्कैटरिंग भी एक तरह का लॉस है. ठीक है, तो उसका बेसिक्स क्या है कि क्यों आती है? ड्यू टू यॉन टू. और उसमें होता क्या है कि एक पावर है जो एक मोड से दूसरे मोड पर ट्रांसफ़र कर जाती है. तो नेक्स्ट हमारे पास लीनियर स्कैटरिंग है. ऑप्टिकल लीनियर स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो ऑप्टिकल पावर है ट्रांसफ़र होगी एक मोड से दूसरे मोड, बट देर इज़ नो चेंज ऑन दी फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा. क्या होगा लीनियर स्कैटरिंग में? ठीक है, स्कैटरिंग में पावर है जो वो ट्रांसफ़र कर जाएगी,
पावर ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, वन मोड टू अदर, ठीक है, एक मोड से दूसरे मोड पे ट्रांसफर है जो पावर तो हो जाएगी, एक वन मोड टू अनदर, ठीक है, वन मोड टू अनदर जो है ट्रांसफर है हो जाएगी पावर, ठीक है, लेकिन देर इज नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी, इसमें कोई नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी है जो वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी इसमें, फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी इसमें, ठीक है। ये हमारा पास है लीनियर स्कैटरिंग, लीनियर स्कैटरिंग दो टाइप्स की है, ठीक है, दो टाइप्स की हैं, वन इज रिले स्कैटरिंग और दूसरी हमारे पास है माई स्कैटरिंग, ठीक है। ये दो तरह की स्कैटरिंग है हमारे पास, स्कैटरिंग के जो लॉसेस हैं दो तरह के, एक रिले स्कैटरिंग लॉसेस है और एक माई स्कैटरिंग लॉसेस है। तो रिले स्कैटरिंग लॉसेस पढ़ते हैं, ठीक है, रिले स्कैटरिंग लॉस, ठीक है, उसमें क्या है, एक्चुअली दिस लॉसेस एक्चुअली अकर्स ड्यू टू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, ड्यू टू कि कौन सा एक्चुअली स्कैटरिंग लॉसेस होते क्या है, कौन सा मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है, मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है उसका, लॉसेस ड्यू टू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल यूज टू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, टू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल, कौन सा मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल को मैनुफैक्चरिंग करने के लिए, उस पर ये डिपेंड करता है। तो इसमें जो स्कैटरिंग होती है वो सारे आर डायरेक्शन में होती है, जैसे मान लो ये हमारा अगर सिग्नल जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो स्कैटरिंग यहाँ पे मान लो स्कैटरिंग होगी ड्यू टू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ लॉसेज, ड्यू टू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर मटेरियल कौन सा यूज़ कर रहे हैं उसमें, तो उसकी वजह से, तो जो इसकी जो डायरेक्शन होगी हर किसी डायरेक्शन में सेम, जो इसकी लॉसेज जो है सेम होगा, ठीक है, हर किसी डायरेक्शन में सेम होगा, तो फ्रिक्वेंसी इज़ नॉट चेंज ओनली ट्रांसफर, यहाँ पे हमने देख रहे हैं फ्रिक्वेंसी जो हमारी वो नहीं चेंज होगी, फ्रिक्वेंसी नो चेंज ओनली ट्रांसफर ऑफ मोड, ठीक है, ओनली ट्रांसफर ऑफ मोड, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं हम फ्रिक्वेंसी हम नहीं चेंज होगी, जो है एनर्जी हमारी एक मोड से वो है दूसरे मोड को जो है ट्रांसफर होगी हो जाएगी, तो हायर दी वेव लेंथ स्कैटरिंग विल बी लेस, अगर जितनी ज़्यादा वेव लेंथ होगी उतनी जितनी हायर वेव लेंथ होगी उतना स्कैटरिंग लॉस जो है स्कैटरिंग लॉस विल लेस, ठीक है, उतना स्कैटरिंग लॉस जो है कम होगा। तो रिले स्कैटरिंग लॉस में क्या, द लाइट फ्रॉम दी सन, इसमें एक एग्जांपल पे तौर पे हम देखते हैं, द लाइट फ्रॉम दी सन इज स्कैटर्ड इन एटमॉस्फेयर गिव स्काई कलर ब्लू, तो जो अब हमारी लाइट है सन रेज से जब स्कैटर होती है इन एटमॉस्फेयर तो हमारे को जो आकाश का कलर है वो ब्लू दिखाई देता है, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ स्कैटरिंग लॉसेस, ठीक है। स्कैटरिंग जो मैंने पहले बोला कि जो रे स्कैटरिंग है वो आर डायरेक्शन में होगी, इसमें क्या होगा फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होगी, क्या होगा ट्रांसफ़र हो जाएगी पावर एक मोड से दूसरे मोड को ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है, तो ये जो लॉसेज होंगे ड्यू टू मॉलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ, तो उसका मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है माइस, ये हो गया रिले स्कैटरिंग, नेक्स्ट है माइस स्कैटरिंग, माई स्कैटरिंग रेफर्स प्राइमरी टू डू इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ फ्रॉम एटम और मॉलिक्यूलर, ठीक है, ये क्यों होगी इलास्टिक स्कैटरिंग है, ठीक है, इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम
एटॉमिक एंड मॉलिकुलर पार्टिकल्स whose diameter is larger than the wavelength of the incident wave. ठीक है, इसमें क्या होगा, माई स्कैटरिंग जो है रेफर मेनली क्या है, प्राइमरी ड्यू टू इलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होगा फ्रॉम एटम और मॉलिकुलर, जिसका डायमीटर है लार्जर देन किसे होगा लाइट से. तो लीनियर स्कैटरिंग जो भी, और ये जो माई स्कैटरिंग है दिस इज ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. ठीक है, तो माई स्कैटरिंग है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, ऑलवेज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका होने का कारण क्या है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम एटम एंड मॉलिकुलर पार्टिकल्स whose diameter is about the wavelength, जो इंसीडेंट wavelength है उसका जो diameter है atomic और molecular से, जब diameter ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से जो है ये हमारे पास माई स्कैटरिंग होगी. और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं स्कैटरिंग लॉसेज के, माई स्कैटरिंग लॉसेज के फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं वो देखते हैं. ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है हमेशा. तो सबसे पहले है जो फैक्टर है जो माई स्कैटरिंग का जो है, इस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, उस कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, सबसे पहले जो इसका फैक्टर जिसकी वजह से होगी, दैट इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इज नॉट परफेक्ट. ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो इसका वो ठीक नहीं होगा, जिसकी वजह से ये जो लॉसेज आएगा. ठीक है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो इसका परफेक्ट नहीं होगा उसकी वजह से लॉसेज आएगा. दूसरा क्या, इम्परफेक्शन ऑफ कोर एंड क्लैडिंग इंटरफेस. ठीक है, जो इंटरफेक्शन होगी कोर एंड क्लैडिंग इंटरफेस के, उसकी वजह से जो माई स्कैटरिंग लॉसेज आएंगी. तीसरा जो है कोर एंड क्लैडिंग इंडेक्स इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू दी फाइबर. तीसरा इसका जो कारण है वो है कि उसका जो कोर एंड क्लॉडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, जिसकी वजह से ये तीन फैक्टर हैं रिस्पॉन्सिबल कि उसका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्ट नहीं होगा. इम्परफेक्शन एट कोर एंड क्लैडिंग की वजह से होगा. तीसरा, कोर एंड क्लैडिंग में उसमें जो होता है यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूनिफॉर्म नहीं होगा, उसकी वजह से ये तीन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं माई स्कैटरिंग के लिए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे.